एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है। 28 अगस्त को भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है, लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। स्टार गेंदबाज अब एशिया कप की टीम से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है और माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप में भी शायद टीम इंडिया के लिए खेलते हुए ना देखे। जी हम बात करें हर्षल पटेल की, और हर्षल पटेल के बारे में खबर आ चुकी है कि रिब इंजरी होने की वजह से उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ जो रिमेनिंग दो T20 मैचेस थे, जो कि चौथा कल खेला गया, पांचवा आज खेला जाएगा, उससे तो बाहर ही है। लेकिन रिब इंजरी से उबरने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लग जाते हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद हर्षल पटेल एशिया कप से तो बाहर हो ही चुके हैं, हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएं, क्योंकि इतनी आसानी से रिब इंजरी को आप जल्दी से ठीक नहीं कर पाते। और अभी तो शायद हर्षल पटेल की कमी हमें नहीं खल रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ही काफी खराब क्रिकेट खेल रही है, लेकिन यकीन मानिए जब बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे और हर्षल पटेल की वो जो स्लोअर वन गेंदे होती थी, जिस तरीके से लगातार आईपीएल में उन्होंने गेंदबाजी की थी, भारत के लिए लगातार गेंदबाजी की थी, उसे आप मिस करने वाले हैं। तो जो तैयारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिहाज से कर रही थी, एशिया कप के लिहाज से कर रही थी, उसमें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हर्षल पटेल आपके सबसे ब्राइट प्रोस्पेक्ट थे गेंदबाजी लाइनअप में। माना जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल की जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए गजब की कॉम्बिनेशन बनाती है, लेकिन हर्षल पटेल का बाहर हो जाना भारतीय टीम के लिए प्रिपरेशन के लिहाज से देखें तो एक बड़ा झटका है। एशिया कप में बाहर हो चुके हैं और माना जा रहा है कि शायद वर्ल्ड कप तक भी समय रहते वो फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको टीम जो है वो बनानी है 15 सितंबर तक, और क्या तब तक हर्षल पटेल फिट हो पाएंगे ये बड़ा चैलेंज है, और अगर नहीं होंगे तो टीम इंडिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है। उम्मीद करते हैं कि उनके बदले जिसको मौका मिलेगा वो कम से कम भारतीय टीम के लिए बेहतरीन काम करके दिखाए, लेकिन हर्षल पटेल का ना होना एशिया कप में भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। आपको क्या लगता है, उनकी जगह पर किसको टीम में शामिल करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।